हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये ब्लीडिंग हार्ट की वाइन है और इसको गमले में लगा रखा है हमने। ये 16 इंच के पॉट में लगाई हुई है। इसको एक्चुअली ज़मीन तो है लेकिन लगाना इसी में ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊँची तो जाएगी नहीं, तो इसको गमले में ही करके एक पिलर का रूप देने का आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ये करी पत्ता, ये आप सभी जानते होंगे। ये ड्रेसिना की एक वेराइटी, इसको कहते हैं ड्रेसिना विक्टोरिया। इसके आप देख रहे हैं पत्ते और कलर्स क्या बढ़िया आ रहे हैं इसके। ये काफ़ी छोटा सा प्लांट लिया था हमने, ख़रीदा था इसको एक्चुअली। और ये जो है बुगनवेलिया की कटिंग्स लगा लगा के मैंने ग्रो की थी। ये 8-9 गमले हैं अलग अलग कलर्स में। 1-2 और दिखाती हूँ। ये शमी का पेड़ है, काफ़ी बड़ा सा हो गया अब तो। कटिंग इसकी बहुत रेगुलर करते रहना पड़ता है ना। ये सेलोसिया लगे हुए हैं, ये रोज़ है, ये देखिए टर्टल वाइन इसमें लगी हुई, छोटी सी गिर गई थी तो कितना अच्छा उसने कवर किया हुआ है ना, देखिए। ये गुड़हल है, गुड़हल कई तरह के हैं मेरे पास, 5-6 कलर के हैं। मतलब डबल वाला है ऑरेंज कलर का ना। ये गार्डेनिया है, गंधवराज जिसे कहते हैं। और ये अगेन रोज़ है, मैक्सिकन पिचूनिया है। ये वाइट वाला देसी गुलाब है, ये कटिंग से ही लगाया था मैंने और खूब अच्छी ग्रो हो गई, काफ़ी सारी कटिंग, बहुत सारी लग गई हैं अभी। ये टिकोमास्टेन ऑरेंज कलर का है हमारे पास, इसमें आपने ज़्यादातर जो मिलता है पीला वाला वो देखा होगा। अगेन देसी वाला गुड़हल है ये, रेड वाला। और फिर ये देसी गुलाब है, ये गुड़हल होगा वाइट कलर का, देखिए अच्छे ना इसका पेपर जैसे फ्लावर्स दिखते हैं। ये नींबू है, काफ़ी ऊंचा हो रहा है, अभी नीचे से इसका और साफ़ करके और ज़्यादा अच्छा कर देंगे, ये तो कटिंग करना बाकी है। ये चंपा है, रेड कलर की है ये वाली चंपा, और इसको काट के थोड़ा छोटा किया है। अभी इसकी ये वाली ब्रांच और निकालेंगे जिससे कि इसके घना और ज़्यादा अच्छा हो जाए, और नीचे थोड़ा जगह हो जाएगी तो उसमें छोटी छोटी बास्केट वगैरह टांग सकते हैं। ये सैगो पाम, ये मेरे पास 4-5 हैं, अभी आपको दिखाए थे इसकी सेपरेट कैसे करते हैं पप्स वगैरह। ये सारा गुलदाउदी का खेत जैसा समझ लीजिए, सब एक ही कलर है, पर्पल कलर, अच्छा है ना, खूब हो जाते हैं ढेर। ये सब छोटे चाइना ऑरेंज वाले हैं, ये रोजेज चाइना ऑरेंज, छोटे छोटे चाइना ऑरेंज कह रही हैं, चाइना रोजेज हैं छोटे छोटे, इसमें से ही छोटे छोटे बहुत फूल आते हैं। ये स्ट्रेल, ये फर्न है, ये काफ़ी सारा हो गया था, इसके 3 पार्ट कर दिए अलग अलग। और ये शेफलेरा, आपको मैं दिखा चुकी हूँ शेफलेरा प्लेन वाला भी, ये शेफलेरा है वेरीकेटेड वाला, देखिए काफ़ी बड़ा हो रखा है, खूब घना हो गया। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसको कमज़ोर पेड़ में ही स्टिक लगा देना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा हो जाता है, देखिए हो गया है ना टेढ़ा, ये इसको अब लगानी पड़ेगी स्टिक। ये सब डफनवेकियाँ हैं, आप इनको पहले भी देख चुके हैं। ये मोनेस्ट्रेरा जनाडो की वेराइटी है, बड़ी वाली छोटी वाली मेरे घर पे। अभी जो मैं ये प्लांट्स दिखा रही हूँ मेरी डॉटर के घर में, मैक्सिमम प्लांट्स तो मेरे ही वाले हैं जो मैंने दिए हैं मल्टीप्लाई करके। ये ब्रह्म कमल है, और ये मरांटा, ये अरेलिया है ना, ये रैंथिमम, ये हैंगिंग बास्केट, देखिए टर्टल नेक लगा हुआ है इसमें, और उसमें वेरीगेटेड मनी प्लांट है ये, और इसमें भी टर्टल नेक ही है ये, और ये स्पाइडर प्लांट की है हैंगिंग बास्केट, और ये वाला जो है ये टेंगल्ड हार्ट की है ये हैंगिंग बास्केट। ये मैक्रमे की बनाई हुई है मैंने ही हैंगिंग बास्केट उसमें डालने के लिए, ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है इसमें, सेम ऐसी एक और भी बनाई हुई है इस साइड। ये है, ये टोकरियाँ हैं, ये रियो की है, और ये उसकी है पर्पल हार्ट की, ये पर्सलिन की हैंगिंग बास्केट्स हैं ये सारी, ये सब पर्सलिन है। और ये टर्टल, ऑफ टर्टल कह रही हूँ, वायलेट हार्ट है, ये फर्न की है, ये भी मैंने आपको बना के दिखाई थी। ये पपीता है, पपीते के कई प्लांट लगाए हुए हैं पीछे भी। और ये देखिए, ये दिखाती हूँ मज़ेदार चीज़, ये अलमंडा की है, बड़ा वाला वैरायटी है, बिग वाला साइज़ का आता है ना इसके, देखिए बर्ड्स कितनी अच्छी बड़ी बड़ी हैं। ये पपीता ही लगाया हुआ है साइड,
सब पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक पपीता लगा। पपीता अलग अलग लगा होने से ये रहता है कि सीधा ऊपर चला जाएगा और नीचे हम अपना कुछ भी बो सकते हैं। ये इधर भिंडी का पेड़ लगे हुए हैं, ये वाले जो लगे हुए हैं ना भिंडी के हैं, ये भी भिंडी ही है, ओकरा है ना। और ये देखिए, ये दिखाते हैं, ये है गुड़हल अगेन, पर्पल वाला, इसका पीच वाला कलर का ये डबल वाला। और ये वो है कलिंचू और एरिका पाम जो डॉट वाली स्टाइल का है वो है ये। और ये मिर्च के प्लांट्स लगे हुए हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं। ये है पैशन फ्लावर की बेल जिसे ज़मीन में उतार दिया, आप देखिए काफ़ी अच्छी हो रही ना। ये एक्चुअली इस रूम के ऊपर चढ़ानी है पूरी, इसलिए इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा रहे हैं। फ्लावर इसमें पर्पल कलर का आता है, बहुत अच्छा खुशबू वाला। ये जो उग रही है ये सेम है, वो चौड़ी वाली चपटी सेम होती है ना देसी वाली, ये वो है। ये कई उग रही है, पहले यहाँ बहुत उगरा हुआ था, जंगल सब काट कूट के साफ़ किया, अभी भी कहीं कहीं उग ही जा रहे हैं। ये बेसिल के प्लांट्स हैं, ये आपको पहले भी वीडियो बना के दिखा चुके हैं। इसमें ये बेसिल लगा हुआ है सारा, इसमें चार पांच पौधे हैं ये यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो है ये इलायची का प्लांट है, इसको मैं बताऊंगी कि इसको कैसे उगाया जाता है, ये तो एक्सपेरिमेंट के दम पे उगाया गया था तो ये सचमुच में ही लग गया, इसको बताऊंगी आपको अलग से वीडियो बना के। ये सारे डॉर्फ वेराइटी के ही रखे हुए हैं, सिंगोनियम है डॉर्फ वेराइटी की अलग अलग तरह की, ये सब डेकोरेशन के ही काम में आते हैं इसीलिए सब छोटे छोटे उसमें ही लगा के रखे हुए हैं, है ना। और इन सब के नीचे ये ओल्ड टी प्लेट्स लगा रखी हैं तो उससे ये देखने में भी ठीक लगते हैं और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसमें जमा हो जाता है। ये ड्वार्फ वैरायटी की है ओलियंडर, आपको इस पर भी वीडियो बना के मैं दिखा चुकी हूँ पहले, ये गमले में ही लगाया हुआ है। ये सब अलग अलग कलर की चंपा है सारे, ये बाहर घर के बाहर पोर्च वाले एरिया में लगाया हुआ है। ये वाइट है, इसमें येलो है, येलो एंड पिंक मिक्स्ड है, डार्क पिंक है, डार्क रेड है, अलग अलग कलर के और साइज़ के लगे हुए हैं। और ये जो बेल चढ़ रही है ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ स्पेशली, ये गिलोए है, देखिए इसको एक महीना हुआ है अभी ऊपर चढ़े हुए, थर्ड तीसरी फ्लोर तक पहुँच गई है बहुत आसानी से। और हमेशा ग्रीन रहती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। जो इसके गुण हैं वो आप सब जानते ही होंगे, वैसे इसका वीडियो अलग से बनाऊंगी आपको बताने के लिए। ये हरसिंगार लगाया हुआ है यहाँ बीच में, कि हरसिंगार ऊंचा हो जाएगा तो फूल भी अच्छे आएंगे और साथ में कार के ऊपर छाया भी बन जाएगी। यहाँ ये लोग शेड नहीं लगाने दे रहे पोर्च वाले एरिया में ना, कार पार्क वाले एरिया में। ये जो आप देख रहे हैं ये टेसू का पेड़ है, इसको जो बोलते हैं ना दोना पत्तल, जिस पत्ते पेड़ की बनती हैं, ये वो है जिसके फूलों का रंग निकाल के होली पे खेलते हैं, ये वो वाला है ऑरेंज कलर का। देखिए अब तो ये लोग लगाना ही भूल गए हैं, लेकिन ये लगाना चाहिए। आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये MP और छत्तीसगढ़ का ये मतलब स्टेट फ्लावर है। और ये जो सारी लगी हुई है ये हेमेलिया पैटर्न है, जिसको बुश फायर भी बोलते हैं ना, जिसमें ऑरेंज ऑरेंज छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उस पर बटरफ्लाइज बहुत आती हैं। ये हैच बना रखी है इन्होंने इसकी, ये देखिए दिखाती हूँ, ऐसी बनी हुई है ये हैच। ये इसमें कमल लगाया हुआ है और ये घर में ही ग्रो किया था, इसकी पूरी वीडियो अलग से मैं बना के आपको दिखाऊंगी ये कैसे लग जाती है। यहाँ एक फिश एक्वेरियम खाली था, ये उसमें डाल रखा है, इसमें चार पाँच कोई फिश भी डाल रखी हैं जो अभी दिख नहीं रही हैं, वाइट कलर की हैं अभी, तो कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए दिखी ना, ये इसी साइज़ की हैं, चार फिश हैं ये। ये कोई जो है अंदर इसमें काई वाई खाती रहती हैं, लेकिन इसको फिर भी साफ़ तो करना ही पड़ता है क्योंकि काई बनने के लिए धूप और पानी दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर एवरी सेकेंड डे काई को साफ करना पड़ता है इसमें। ये येलो वाला एलामांडा की बेल है, दिख रही है आपको, येलो फ्लावर ग्रीन दिख रहा होगा, काफ़ी ऊंचा हो गया ये बेल भी, तो ये भी जा रही है ऊपर। ये बड़े वाले साइज़ की है, इसकी बर्ड्स देखिए, और ये मधुमालती जा रही है ऊपर, ये दिख रहे होगी आपको, खूब इसमें ज़बरदस्त क्लाउडिंग हो रही है ऊपर, है ना।
आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।